सुनाता हूँ। मैं पान सिंह बिस्ट पीपीएस बीएमआईसी नालक मता कक्षा 9th विषय हिंदी। मैं काव्यखंड में आपका टॉपिक है यमराज की दिशा, इसके लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। इसके पहले इस कविता के 3 या 4 वीडियो आपको पहले भेजे जा चुके हैं। अब इसमें अगला वीडियो है, उसकी पंक्तियां हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करते सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से आंखों सहित विराजते हैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यमराज की दिशा के बारे में बता रहा है। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्षिण में मैं दूर दूर तक गया, कह रहे हैं कि दक्षिण में मैं दूर दूर तक गया लेकिन मुझे हमेशा माँ की याद आती थी, क्योंकि माँ ने मुझे बचपन में दक्षिण दिशा के बारे में बताया था, इसीलिए माँ की मुझे याद आती थी। कह रहे हैं मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। अब दक्षिण को लांग लेने का मतलब यहाँ पे मृत्यु को समझ पाना यानी असंभव होता है, यानी मृत्यु को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता और इसीलिए दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। कह रहे हैं यानी दक्षिण को लांग लेने का मतलब मृत्यु को समझ पाना असंभव है, होता छोर तक पहुंच पाना और दक्षिण के छोर जो उसके किनारे तक पहुंचना भी, यानी यमराज का घर देखना भी, क्या है उसके घर तक पहुंचना भी, ये भी असंभव है। कह रहे हैं तो यमराज का घर देख लेता, कह रहे हैं अगर मैं दक्षिण में जाता उसको पार कर लेता तो यमराज देवता का जो घर था उसे देख लेता, लेकिन यह सब क्या था, असंभव था। पर आज जिधर भी पैर करके सो, कह रहे हैं कि वर्तमान में आप जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी वही आपकी दक्षिण दिशा बन जाती है। अब तो कोई दक्षिण दिशा नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु अगर होने वाली होगी तो वो किसी भी दिशा में हो सकती है, इसीलिए कह रहे हैं कि अब कोई भी यानी मृत्यु की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा अब नहीं रही, यानी किसी भी दिशा में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं, कह रहे हैं कि जो चारों दिशाओं में यमराज के जो आलिशान, कहीं युद्ध, कहीं आतंक की घटनाएं, कहीं एक्सीडेंट, यानी जिस दिशा में भी जाओ अब चारों दिशाओं क्या हो गई है, वो दक्षिण दिशा बन चुकी हैं और उसी में यमराज के क्या हैं, आलिशान महल, यानी उन सब में जो यमराज हैं वो एक साथ विराजते हैं और वे भी सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजते हैं। यानी जो चारों दिशाएं हैं वो चारों की चारों दिशाएं अब यमराज की दिशाएं बन चुकी हैं। व्यक्ति की अगर मृत्यु आने वाली होगी तो किसी भी दिशा में हो सकती है, इसीलिए जो यमराज कह रहे हैं वो चारों दिशा में अब विराजमान है, यानी उनकी वो दक्षिण दिशा अब नहीं रही। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, शेष आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।